नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह। आज 5 अगस्त का दिन है। आपको याद होगा कि आज ही के दिन अयोध्या में 2 साल पहले भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों सनातनियों की सदियों पुरानी सौगात पूरी की थी। आज के दिन पूरे देश ने उत्सव मनाया था। भगवान श्री राम को पंडाल से मुक्ति मिली थी। इसके साथ ही आज ही के दिन जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से भी आजादी मिली थी। कश्मीर की जनता को काले कानून से मुक्ति मिली थी। और दूसरी तरफ पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है क्योंकि देश की आजादी के 75 साल हो रहे हैं और हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से हो रही है। शहर शहर गांव गांव तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। यानी आज का दिन देश के लिए कितना ऐतिहासिक और शुभ है ये आप समझ सकते हैं। ऐसे में मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आज एक सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं। क्या आज के दिन काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करना ठीक था? क्या ये करोड़ों हिंदुस्तानियों, करोड़ों सनातनियों और करोड़ों कश्मीरों की भावनाओं से मजाक नहीं था? लोकतंत्र में विरोध करना हर किसी का अधिकार है। कांग्रेस का भी अधिकार है, आपका भी, राहुल जी आपका भी अधिकार है। लेकिन मेरा यानी राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह का बस एक सवाल है आज के दिन को लेकर, आज के दिन के चुनाव को लेकर कि प्रदर्शन के लिए आज ही का दिन क्यों चुना गया और आज के दिन काले कपड़ों में प्रदर्शन क्यों किया गया। राहुल गांधी जिस कपड़े में घर से आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कितना बढ़िया था, व्हाइट शर्ट पहने थे, यहां पर काली पट्टी बांध रखी थी, लेकिन उसके बाद उस कपड़े में प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? काले कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी? और यही बात आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी पूछी है। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम नेता ये पूछ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी देश से माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे। अब आइए मैं आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि आज के दिन की क्या अहमियत है। हालांकि बताने की जरूरत नहीं, आज हर हिंदुस्तानी जानता है कि आज 5 अगस्त है और क्या उसकी अहमियत है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि आज अयोध्या दिवस है, आज कश्मीर के लिए भी ऐतिहासिक दिन है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और सवाल किया कि अयोध्या दिवस पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन क्यों किया? क्या कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर आज के दिन को चुना? क्या ये राम मंदिर का विरोध है? आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टिकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दिवस के मौके पर रामनगरी पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अयोध्या दिवस के मौके पर आज पहली बार मीडिया को राम मंदिर निर्माण के काम को दिखाया गया और उसी के माध्यम से करोड़ों सनातनियों को दिखाया गया कि भव्य रामलला का मंदिर किस तेज गति से बन रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। राम भक्तों के लिए आज का दिन उल्लास का दिन है, बहुत शुभ दिन है, लेकिन कांग्रेस ने इसे काला दिन बनाने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस के ब्लैक फ्राइडे वाले प्रोटेस्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राम भक्तों का अपमान है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है मंदिर निर्माण की तिथि के दिन, यह राम भक्तों का अपमान है। और आज 5 अगस्त का दिन कश्मीर के लिए भी कितना ऐतिहासिक है यह आज आप समझ सकते हैं। आजादी के 73 साल बाद यानी आज से 2 साल पहले कश्मीर को धारा 370 से आजादी मिली थी और जिसका असर आपके सामने है। ये देखिए तस्वीरें, कश्मीर में जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है।
जिस लाल चौक पर दिन में भी किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती थी, वहां रात में हमारी दो सहयोगी मीनाक्षी और प्रिया सिंह पहुंची। निडर होकर, बेखौफ होकर घूम रही थी और वहां को देख रहे थे और वहां के लोगों से बात कर रही थी। जिस लाल चौक पर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भी तिरंगा फहराने पर पत्थरबाजी हो जाती थी, वहां अब हर वक्त तिरंगा बड़े शान से फहरता है। रात में भी लाल चौक तिरंगे के साथ रोशनी में नहाया हुआ है। ये तस्वीर देखिए, ये बदले हुए हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये बदले हुए भारत की, नया कश्मीर है। और आज इस ऐतिहासिक दिन पर जब हर हिंदुस्तानी गर्व कर रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लोग आज के दिन को प्रदर्शन के लिए चुनते हैं और फिर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो आज दिन भर कांग्रेस ने काले लिबास में महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर हंगामा होता रहा। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेसी सांसद काले कपड़े में नजर आए। लेकिन शाम ढलते ढलते बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन की धार को यह कहकर कुंद कर दिया कि कांग्रेस ने यह प्रदर्शन राम मंदिर के शिलान्यास और धारा 370 हटाने के विरोध में किया है। इसका मतलब मैं राष्ट्रवादी अजनी कुमार सिंह आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को डायमेंशन में ही बदल दिया, इसका पूरा बदल दिया, रुख ही बदल दिया। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे नेशनल हेराल्ड की काली कमाई को छुपाने के लिए, ईडी की तलवार से बचने के लिए कांग्रेस ने काले कपड़ों का सहारा लिया। राष्ट्रवाद में अब वो रिपोर्ट जो यह बताएगी कि कांग्रेस का ब्लैक फ्राइडे और इसका फलसफा क्या है। महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बदले दिया जाता है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। भ्रष्टाचार करने वाले काले कारनामे करके संसद से सड़क तक आएंगे, तब भी सच झूठ नहीं हो जाएगा। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। तानाशाही कौन किया था सब पता है, ये तो नकली गांधी है। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी। कांग्रेस का ब्लैक फ्राइडे, संसद से सड़क तक हल्ला बोल। ये महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी आदि के खिलाफ हमारा संघर्ष गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में चलेगा। जो लोगों को डराते हैं और जो चर्चा से भागते हैं, जनता के मुद्दों से भागते हैं, वो डरेंगे। महंगाई की मार पर मातम मनाने वालों का यह प्रदर्शन प्रहार है। संसद से सड़क तक ये सियासी वार है। नया रूप, नया लिबास, निशाने पर सरकार है। बदन पर काला लिबास, गले में सब्जियों की फांस, हाथों में पोस्टर बैनर खास। ये है सोनिया राहुल का काला कांग्रेस काल। कांग्रेस का काला प्रेम नया नहीं है, इमरजेंसी को भी काला दिन कहा गया था।
आज एक बार फिर कांग्रेस को काले रंग की याद आई जब नेशनल हेराल्ड की काली कमाई की फांस सोनिया और राहुल के गले तक आई। गांधी परिवार पर जब ईडी का पहरा पड़ा तो पूरी कांग्रेस पार्टी काला कपड़ा पहनकर काली कमाई की निगहबानी करने उतर आई। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टिकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। महंगाई के लिए प्रदर्शन का दावा है, जनता के लिए जमीन पर जमने की मजबूरी है। जो जनता नकार चुकी उसी जनता के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने पर आमादा है। जो लोगों को डराते हैं और जो चर्चा से भागते हैं, जनता के मुद्दों से भागते हैं, वो डरे हुए हैं। ये उनका मुख्य संदेश है। लेकिन बीजेपी का दावा कुछ और है। बीजेपी ने इस शब्द की परिभाषा कुछ यूं दिया, काले कपड़े, काली कमाई, काली करतूत, काले कारनामे। काले कपड़े, काले कारनामे वाले लोग काले कपड़े पहन के घूमे तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से अपने अभियान को वो जारी रखना चाहते हैं, शायद काले कपड़ों का यही वसूल है। मतलब काले कपड़े में काली कमाई छुपाने की ये कांग्रेस की कला है या वाकई इस विरोध प्रदर्शन से जनता का भला है, जानना जरूरी है। स्याह शर्ट के संदेश को समझने के लिए संसद से सड़क के संग्राम को समझना जरूरी है, तब कांग्रेस के इस ब्लैक फ्राइडे के फलसफे को समझ पाएंगे। काले कारनामा, काला लिबास, महंगाई बहाना, ईडी की फांस, दरअसल इस विरोध प्रदर्शन और काले लिबास के कनेक्शन को समझने के लिए उस काली पट्टी का जिक्र जरूरी है जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज पहनी थी, क्योंकि तब राहुल ने खुद उस चीज का जिक्र किया जो इस जंग की जड़ में है। पहले वो सुनिए, फिर आपको उसके मायने बताएंगे। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। डर है ही नहीं, मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं डर। काली कमाई, काली करतूत, सड़क पर उतरे जब खतरे में वजूद। दरअसल हेराल्ड में हवाला और घोटाला का राज पर्दाफाश हुआ तो कांग्रेस घबरा गई। बीजेपी के खिलाफ हर मोर्चे पर कांग्रेस का साथ देने वाली सहयोगी पार्टियों ने भी किनारा कर लिया। पहले राहुल, फिर सोनिया और कल मल्लिकार्जुन खड़के से सवाल जवाब हुए। जाहिर है हेराल्ड के हेरा फेरी वाले हाकिमों के हाथों में हथकड़ी दिखने लगी। उन्हें लगने लगा कि आज न कल कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंचेंगे, फिर उनका तो जो होगा सो होगा। उस कांग्रेस पार्टी का क्या होगा जिसकी धुरी गांधी परिवार है, जो पार्टी एक परिवार की दहलीज से शुरू होकर उसी परिवार के दूसरे कमरे पर आकर खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी है आंदोलन करें, हंगामा करें, सड़क पर संग्राम करें, ताकि पार्टी का वजूद जिंदा रहे। ईडी की कार्रवाई पर आंच आए और सबसे बड़ी बात, बेपर्दा हो रहे काली कमाई का राज कभी उजागर नहीं हो पाए। इसलिए काले लिबास में कांग्रेस ने आज ब्लैक फ्राइडे मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के खिलाफ आज के प्रदर्शन में पूरा जोर लगा दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में मोर्चा संभाला तो दूसरे राज्यों में कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और पटना से लेकर जयपुर तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या महंगाई को लेकर कांग्रेस का संग्राम का मकसद
घोटालों के खिलाफ जारी कार्रवाई से ध्यान भटकाना तो नहीं? आखिर अचानक से कांग्रेस को महंगाई की याद क्यों आ गई? जरा इस रिपोर्ट को आप देखिए और पूरा माजरा समझिए। फैमिली पर आज तो सड़क पर ब्लैक मार्च, गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? काले लिबास से काली करतूतों पर नकाब। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे आपके साथ, तो क्यों करें हम? महंगाई मुद्दा या ईडी सीबीआई जांच पर पंगा। इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है, सैक्रिफाइस, अगर लूटने का नाम सैक्रिफाइस है तो सैक्रिफाइस का अर्थ बदलना पड़ेगा। महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस ने आज संसद से लेकर सड़क तक संग्राम किया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और भोपाल से लेकर चंडीगढ़ तक हर शहर में कांग्रेसियों ने बवाल काटा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को महंगाई की याद अब अगस्त में क्यों आई? क्या महंगाई पिछले एक हफ्ते में बढ़ गई? क्या एकदम खाद्य पदार्थों के दाम आसमान पर पहुंच गए? हकीकत में तो अप्रैल के मुकाबले महंगाई दर अब नीचे आई है और सड़क पर फिर संग्राम क्यों मचा है? सवाल ये है कि कांग्रेस की ये लड़ाई महंगाई के खिलाफ है या फिर ईडी और सीबीआई के एक्शन के खिलाफ? तुष्टिकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टिकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वही राहुल गांधी समेत तमाम कार्यकर्ता सांसदों और नेताओं ने शासन में लिया गया है। यहाँ पर धारा 144 के बावजूद यहाँ पर इस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के ब्लैक फ्राइडे पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों की जांच को भटकाने की कोशिश कर रही है? नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की गर्दन फंसती दिख रही है, तो क्या इसलिए कांग्रेसियों ने परिवार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है? आखिर महंगाई जीएसटी पर अगस्त क्रांति की असली वजह क्या है? ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात है। काले कारनामे वाले लोग काले कपड़े पहन के घूमे तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं होता है। प्रत्यक्ष रूप से अपने अभियान को वो जारी रखना चाहते हैं, शायद काले कपड़ों का यही वसूल है। नेशनल हेराल्ड केस की जांच सोनिया राहुल तक पहुंची तो कांग्रेसियों के खून में जैसे उबाल आ गया। पिछले महीने ईडी ने पहले राहुल गांधी से 5 दिन तक पूछताछ की और फिर सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया, जिसके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने जमकर बवाल किया था। 2 अगस्त और 3 अगस्त को ईडी ने नेशनल हेराल्ड के 16 ठिकानों पर छापेमारी की और यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ पलटवार की बड़ी रणनीति बनाई। संसद में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा से गायब रहने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने आज सड़क पर किस तरह संग्राम किया, आइए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। संसद के अंदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों की अगुवाई की। कांग्रेस के सभी सांसद काले कपड़ों में पहुंचे, स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। राहुल गांधी सांसदों के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान कांग्रेस नेता सड़क पर लेट गए। उधर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मोर्चा संभाल रखा था। कांग्रेस नेताओं और सांसदों के साथ प्रियंका पीएम आवास घेराव के लिए निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रियंका ने पहले बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश की और फिर सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। हंगामे के बीच अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे समेत तमाम कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है।
संघीय ढांचा जितना मोदी सरकार में मजबूत हुआ आज तक कभी मजबूत नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छा को चार शब्दों में व्यक्त किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दिल्ली पुलिस ने पहले ही जंतर मंतर को छोड़कर पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार हमें महंगाई के खिलाफ विरोध करने से रोकना चाहती है। अशोक गहलोत ने कहा कि देश में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का आतंक है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकार ने 8 साल में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। अब आइए आपको दिखाते हैं शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किस तरह सड़क पर संग्राम किया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। मुंबई में भी कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया, 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जयपुर में विरोध प्रदर्शन की अगुवाई सचिन पायलट कर रहे थे। अलग अलग जिलों में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पटना में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया। हर चुनाव में कांग्रेस औधे मुंह गिर जाती है और राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि खतरे में शायद उनकी राजनीति और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के लिए आज मुद्दा महंगाई और जीएसटी नहीं, असल मुद्दा केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन है। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता तक ईडी की छापेमारी जारी है, भ्रष्टाचारियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और इसलिए कांग्रेसियों की नींद हराम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रवाद में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आखिर अखिलेश यादव को क्यों हर घर तिरंगा में दंगा नजर आ रहा है। बयानों की बाढ़ की दिल्ली समेत पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और इस प्रदर्शन के बीच आज जमकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग हुई। सुबह प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर बीजेपी पर और सरकार पर हमला किया, तो उसके तुरंत बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। लेकिन मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको दोनों नेताओं के बयानों के मायने और मतलब समझाऊंगा, बताऊंगा बिना किसी लाग लपेट के। बयानों से बिना छेड़छाड़ किए इन दोनों नेताओं की जुबान से निकले सियासी तीर की एक एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा। राष्ट्रवाद की अगली रिपोर्ट में आप गौर से इसको देखिएगा, क्योंकि अगर आप कांग्रेस या बीजेपी को लेकर गलत फहमी में होंगे तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आपकी वो गलत फहमी दूर हो जाएगी। आपको समझते देर नहीं लगेगी कौन लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है और कौन तानाशाही विरासत को संभाल रहा है। तानाशाह पर तनातनी, वजह ढूंढ रही है कांग्रेस, पार्टी और परिवार बचा रहे हैं कांग्रेस कैडर, सोनिया राहुल के ढाल बन रहे हैं सांसद और विधायक, युवराज संग यलगार पर उतर आए हैं मुख्यमंत्री और महारथी, सेंटर में बैठे हैं राहुल और महंगाई रोजगार पर हो रही है बहसबाजी, लेकिन इस सवाल जवाब में हो जाती है तानाशाह हिटलर की एंट्री, जिस पर बीजेपी ने राहुल को याद दिला दी 1975 वाली कमेंट्री। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे, उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। याद करिए
अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, तो राहुल गांधी कृपया करके ये सब ज्ञान न दें। लोकतंत्र का भौकाल टाई जारी है, भ्रष्टाचार पर फाई, लड़ाई लोकतंत्र की है, जो न तेरा है न मेरा है। लोकतंत्र लोकतंत्र है जिसमें लोग भी हैं और तंत्र भी। अगर किसी चीज की जगह नहीं है तो वो है भ्रष्टाचार तंत्र। इसलिए जब लोकतंत्र पर कांग्रेस ने किया भौकाल टाई तो बीजेपी ने कहा आओ करें भ्रष्टाचार पर फाई। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है पार्लियामेंट हाउस में, हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी चर्चा करके भाग जाती है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने, मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी दो दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया, बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए। ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बदनी दिया जाता है। महंगाई पर महाभारत, झूठ बोलने की आदत। राहुल गांधी ने महंगाई पर पत्रकारों संग परिचर्चा की, संसद में विपक्ष की जुबान पर तालेबंदी लगाने का आरोप लगाया, सरकार पर चर्चा से भागने का राहुल ने दावा किया। ऐसे में सत्य वचन पर अब बवाल मचा है, बीजेपी ने राज खोला है, राहुल के पास झूठ का बोलबाला है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। ईडी ने कसा शिकंजा तो घबराने लगा पंजा, काले कपड़ों में काली कमाई के लिए किया प्रदर्शन, देश भर में सिमटी पार्टी, दो राज्यों में शेष, ईडी के सवाल जवाब से बौखला गई कांग्रेस, सड़क से संसद तक हंगामा, क्या मकसद है ईडी को डराना। गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। कांग्रेस पार्टी और उनका जो पूरा तंत्र है जो भ्रष्टाचार पर चलता रहा है वो परेशान है और उसकी व्यथा राहुल गांधी की बातचीत में दिखाई पड़ती है। हेराल्ड में बेल, कैसा है ये खेल, हेराल्ड पर है हाहाकार, सड़क पर है कांग्रेसी सैलाब, राहुल सरकार से दो दो हाथ को तैयार, लेकिन पूछ रही है बीजेपी राहुल जमानत पर क्यों बाहर, हेराल्ड मामला का करें उजागर। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। राहुल गांधी ने कहा मैं सत्य बोलता हूं, बहुत कस के कहा हूं मैं। तो राहुल गांधी अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों है। आज देश को बताना जरूरी है ये पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, ये पूरा केस हमारी सरकार के आने के पहले फाइल है। मतलब बयानों के बाण से हो रही है सियासी लड़ाई, देखना दिलचस्प होगा किसके हिस्से लोकतंत्र और किसके हिस्से तानाशाही आई। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर संग्राम कर रही है, मोदी सरकार खिलाफ हल्ला बोल रही है। क्या असल में महंगाई इतना बड़ा मुद्दा या फिर ईडी और सीबीआई की जांच को भटकाने के लिए सियासत हो रही है? अब आइए आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं, समझाते हैं
की महंगाई के आंकड़े क्या कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस सरकार में महंगाई की तुलना करते हैं और समझते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है इस महंगाई की। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ संग्राम कर रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ खाद्य पदार्थों पर जीएसटी ने लोगों की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार का दावा है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कीमतें कम हैं। सरकार का कहना है कि महामारी के दौर में जब दुनिया के तमाम मुल्कों की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर है, तब भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। कोरोना संकट खत्म होने के बाद बीते एक साल में खाने से लेकर ईंधन तक की कीमतों में आई तेजी ने लोगों की जेब का खर्च बढ़ा दिया है। आटा, दूध, दालों की कीमत भी आसमान छू रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि कीमतें कम हो रही हैं। आइए आपको आंकड़ों के जरिए महंगाई की असल तस्वीर दिखाते हैं। जून में खुदरा मुद्रास्फीति 7.01% रही, जो मई से 0.3% कम है। मई में खुदरा महंगाई 7.04% थी, जबकि अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर 7.79% रही थी। खाद्य महंगाई दर की बात करें तो जून में 7.07% रही है, जबकि मई में 7.87% रही है, यानी अब महंगाई थोड़ा कम हुई है। आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार किस कदर पड़ी है, इसे आटे की कीमतों से आप समझ लीजिए। देश में गेहूं की बंपर पैदावार के बावजूद आटे की खुदरा कीमतें 12% के उच्च स्तर पर है। एक साल में ही आटे का दाम 9.15% बढ़ चुका है। 7 मई 2022 को आटे का औसत खुदरा मूल्य 32.78 रुपए प्रति किलो था, जबकि पिछले साल मई के महीने में आटे की कीमत 30.03 रुपए प्रति किलो। आटे पर जीएसटी लगने के बाद कीमतों में और अधिक इजाफा हुआ है। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे का असर हर चीज पर पड़ रहा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस साल थोड़ी कमी है। 4 अगस्त 2021 को पेट्रोल की कीमत 101.84 रुपए प्रति लीटर थी, जबकि डीजल की कीमत 89.87 रुपए प्रति लीटर थी। वही 4 अगस्त 2022 में पेट्रोल 96.72 रुपए जबकि डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर है। रसोई गैस के दाम में जरूर बड़ा इजाफा हुआ। 4 अगस्त 2021 को रसोई गैस का सिलेंडर 834.50 रुपए में मिल रहा था, जबकि 4 अगस्त 2022 को सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए पहुंच गई। ऐसा नहीं है कि महंगाई पहली बार इतनी बढ़ी है। शहर शहर हंगामा और विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के दौर में महंगाई की हालत क्या थी, जरा इस पर भी आप नजर डाल लीजिए। ये अलग बात है कि कांग्रेस जब देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, महंगाई और जीएसटी पर हंगामा कर रही है, तब खुदरा महंगाई दर 7% है, जबकि उसके दौर में हालात इससे ज्यादा बदतर हो चुके थे। अब जरा आप ये भी देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कांग्रेस सरकार में कितनी बढ़ोतरी हुई थी और मोदी सरकार में कितने दाम बढ़े हैं। मनमोहन सरकार के दौरान 2004 से 2014 के बीच पेट्रोल के दाम में 112% और डीजल के दाम में 161% बढ़ोतरी हुई है, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में
2014 से 2022 के बीच पेट्रोल के दाम में 35% और डीजल के दाम में 58% बढ़ोतरी हुई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर कांग्रेस को अपने दिन भी याद करने चाहिए। मनमोहन सरकार के दौरान 10 साल में चावल के दाम में 121% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि आटे के दाम 102% बढ़े थे। वहीं मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में चावल के दाम 33% और आटा के दाम में 52% की बढ़ोतरी हुई है। आज महंगाई की मार से जनता त्रस्त जरूर है, लेकिन हालात इस कदर नहीं बिगड़े कि बात कंट्रोल से बाहर हो। ₹2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लूटने का काम किया था, आज उसको उसकी तकलीफ हो रही, उस जायदाद को बचाने के लिए ईडी की रेड़ों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये महंगाई का प्रदर्शन हो रहा है। ये तो एक बहाना है, असल में गांधी परिवार को अपनी जायदाद को बचाना है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, जो कुछ भी हो रहा देश के अंदर, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। फिलहाल विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी का ही मुद्दा है, जिसके जरिए वो सरकार को घेरने में लगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या असल में महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा है, या फिर कांग्रेस ईडी की कार्रवाई और घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रवाद में अब बात उस तिरंगे की, जिसकी अहमियत देश के 140 करोड़ की जनता समझती है। मुल्क का बच्चा बच्चा इस तिरंगे को हाथ में लेकर तिरंगे को फहराकर गौरवान्वित महसूस करता है, तिरंगे तले खड़े होकर राष्ट्रवादी होने का दम भरता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने ही देश के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तिरंगे से नफरत है? सही सुना आपने। और मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताने जा रहा हूं कि कौन है वो सियासी सूरमा जिन्हें देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे में नफरत नजर आती है। कौन है वो पार्टी जिन्हें तिरंगा फहराना शान नहीं अपमान लगता है, और कौन है वो राजनेता जिन्हें तिरंगा में दंगा नजर आ रहा है? राष्ट्रवाद की अगली रिपोर्ट में तिरंगे पर छिड़े तूतू मैमे पर। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। तिरंगा में बबुआ को दिखे दंगा, बीजेपी पर वार, दंगा जीवियों पर प्रहार। तिरंगे पर तकरार के बीच बौखला गए हैं बबुआ। तिरंगे पर बबुआ का तल्ख तेवर ये बता रहा है कि सियासी अदावत निकालने के लिए अखिलेश यादव ने उस तिरंगे का अपमान कर दिया जिस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए लाखों देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिस तिरंगे की आन बान और शान कायम रखने के लिए आज भी हजारों जवान सीमा पर तैनात हैं। ऐसे में समाजवादी बबुआ को तिरंगे में दंगा कैसे दिख गया, पहले इसे आप समझिए। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। लोग घर में तिरंगा लहराने का अनोखा अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, लेकिन इसके उलट देश की राजधानी में ही तिरंगे पर जंग जारी है। पक्ष और विपक्ष के सियासतदान देश की शान तिरंगे पर बयानों के बाण चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बयान सिर्फ अखिलेश यादव ने ही दिया हो, दरअसल समाजवादी पार्टी की सोच ही ऐसी है। यकीन न हो तो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन साहब को सुन लीजिए। इस वक्त तो मुद्दे भटकाने की बात है, देश परेशान है। अब ये नौजवानों को भटकाने के लिए कि एक बाइक पे बगैर हेलमेट के तीन तीन लोग अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो राष्ट्रवाद में आज के लिए बस इतना ही, और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।